इंदौर में आत्महत्याओं की घटनाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला राजेंद्र नगर पुलिस थाना क्षेत्र का है, जहां पीएचई में पदस्थ सब इंजीनियर विनोद वाजपेयी ने अपने घर में फांसी का फंदा लगाकर मौत को गले लगा लिया। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। वहीं पुलिस ने मार्ग कायम कर जाँच शुरू कर दी है। विनोद पिता हरिशंकर वाजपेयी, कितनी उम्र थी इनकी? 60 साल का। ये कहाँ रहते थे? ये 38 धनवंतरी नगर। अच्छा, क्या घटनाक्रम हुआ, क्या करा इन्होंने? फांसी लगा ली थी घर पे अपने। और क्या काम कर रहे थे ये? सब इंजीनियर थे, बताते हैं। कौन से विभाग में? पीएचई में। रिटायर हो गए थे क्या? अभी नहीं, सर्विस कर रहे थे। अच्छा, तो क्यों लगी फांसी? उन्होंने कुछ कारण पता चलेगा? नहीं, कुछ कारण पता नहीं चला। कोई तनाव था, सुसाइड नोट मिला कुछ? सुसाइड नोट नहीं मिला। और इनके परिवार में कौन था घटना के वक्त? घटना के समय तो कोई भी था। उसकी बेटी प्रोफेसर है, वो आई, उसने दरवाजा खोला, उसने ही देखा। अच्छा, अरे उसी सुबह पकड़ लिया। वो भी साथ में रहती बेटी इनके? हाँ, बेटी उनके साथ में रहती है। उसकी जो माँ थी, माँ कहीं उससे शादी बात चल रही थी, उस संबंध में कहीं बाहर गई हुई थी। अच्छा, मतलब अभी बेटी जो है प्रोफेसर है, वो उसकी शादी नहीं हुई है? हाँ, उसी की शादी, उसी बात करने के। हाँ, उसी की शादी की बात चल रही थी, 2 महीने बाद शादी हो रही थी। अच्छा, क्या नाम बेटी का नाम बताए थे? बेटी का नाम रतलाम के पास लामली गांव के पास सड़क हादसा हो गया, जिसमें इंदौर के अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में रहने वाले एक 10 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मासूम अपने परिवार के साथ 12वें के कार्यक्रम में शामिल होने जा रहा था, इसी दौरान वो हादसे का शिकार हो गया। कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमित हुए मरीजों में जिस तेजी से ब्लैक फंगस संक्रमण फैला था, उससे फिलहाल राहत मिलती दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े और इंदौर के सरकारी अस्पताल MY की बात करें तो यहाँ पर मध्य प्रदेश के अलावा भी अन्य राज्यों से मरीज ब्लैक फंगस के 40 मरीज इलाजरत थे। फिलहाल ब्लैक फंगस के नए मरीज सामने नहीं आ रहे हैं। डॉक्टर BP वांडे ने बताया कि ब्लैक फंगस मरीजों का इलाज महीनों तक चलता है, इसलिए केवल रूटीन चेकअप के लिए आ रहे हैं। ब्लैक फंगस के मरीज, जैसे कि हम देख रहे हैं कि वर्तमान में हमारे इस पूरे क्षेत्र में ही कोविड के केसेस लगभग खत्म ही हो रहे हैं, अर्थात क्योंकि इस बीमारी का सीधा सीधा संबंध कोविड से ही था। तो जब कोविड अपने चरम पर था, उसके 4 से 6 हफ्ते के बाद ही मरीज आने शुरू हुए थे। सबसे ज़्यादा बड़ी हुई संख्या में हमने अपने अस्पताल में 500-600 के आसपास तक मरीजों के देखा था, और लगभग पूरा हमारा अस्पताल ही सिर्फ म्यूकर के मरीजों के लिए ही काम कर रहा था। इस समय उनमें से बहुत सारे मरीजों की छुट्टी हो चुकी है, और वर्तमान में लगभग 40 मरीज हमारे यहाँ अभी भी भर्ती हैं, जिनमें उनकी आँखों के कारण से या मस्तिष्क में इस फंगस के प्रवेश कर जाने के कारण से इलाज अभी भी चल रहा है। नहीं, दरअसल एंडोस्कोपी सिर्फ एक जांच है जो ये बताती है कि ब्लैक फंगस मरीज की नाक के अंदर प्रवेश कर गया है या नहीं। कई बार एंडोस्कोपी बार बार भी की जाती है यह देखने के लिए कि यह अभी भी वहाँ पर है अथवा नहीं, और कई मरीजों में यही एंडोस्कोपी की जब जाँच की जाती है तो उसके द्वारा उसका इलाज भी किया जाता है, अर्थात ब्लैक फंगस को वहाँ से निकाल भी दिया जाता है। तो यह तो कई मरीजों में लगातार चलने वाला जांच की तरह से प्रोसेस चलती रहती है। इसकी संख्या से हम यह नहीं कह सकते कि नए मरीज आ रहे हैं या नहीं, अभी भी नए मरीज नहीं आ रहे हैं। अधिकतर मरीज जो हमारे यहाँ इस समय भर्ती हो रहे हैं, वे वही मरीज हैं जो पिछले 2 से 3 महीने में जिनको ब्लैक फंगस हो चुका था। ब्लैक फंगस के बाद उन्हें सभी को मालूम है कि उसका इलाज कई महीनों तक चलता है, उससे छोटे मोटे कॉम्प्लिकेशंस के साथ में या रूटीन मैनेजमेंट के लिए वे आ रहे हैं। कुछ मरीज, मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी भी गंभीर अवस्था में ही हैं, जिनको कि लगातार लंबे समय तक इलाज चलेगा। कह पाना तो बहुत मुश्किल होगा कि हमारे क्षेत्र में कितनी मौतें हुई होंगी, और इसका आंकड़ा जो अभी दिया गया होगा इसके बारे में एकदम से कह पाना मुश्किल है। लेकिन मेरे ख्याल से इसमें मृत्यु की संभावना विदेशों में जहाँ पे 70-80% तक देखी जाती थी, हमारे यहाँ कभी भी इसका आंकड़ा 8-10% से ज़्यादा नहीं रहा है। तो इस हिसाब से मेरे ख्याल से 45-50 से भी कम मरीजों की मृत्यु हमारे यहाँ हुई होगी। ब्लैक फंगस के बचाव का तो बहुत आसान सा कारण है कि हमको ये देखना पड़ेगा कि जो भी मरीज हो, अगर उन्हें कोरोना होता भी है, तो सबसे पहले उनकी डायबिटीज़ पूरी तरह से नियंत्रण में रहे, बढ़ी हुई मात्रा में दिए गए एंटीबायोटिक्स या स्टीरॉइड्स की दवाइयों को अब सभी चिकित्सकों ने दरअसल उसी समय नियंत्रण में रखना शुरू कर दिया था जब ब्लैक फंगस के केसेस बढ़े थे, और साथ में अपने नाक गले की सही सफाई होती रहे ताकि वहाँ पे रहने वाला फंगस नहीं हो, दांतों की अवस्था अच्छी हो ताकि वहाँ पे रहने वाला फंगस भी आगे ना बढ़ पाए, और अगर कभी भी किसी व्यक्ति को आँखों में दर्द, आँखों में लाली,
नाक बंद होना, नाक से खून का एक आध छींटा निकलना, या फिर लगातार बना रहने वाला सिर दर्द हो, खासतौर से अगर उसे कभी भी कोरोना हुआ हो तो उसके लिए विशेष जांच करा ही लेनी चाहिए, अर्थात सीटी स्कैन और एमआरआई से इस बीमारी को पकड़ना बहुत आसान रहता है। पूरे इंग्लैंड ने सेकंड बूस्टर शुरू कर दिया और इस सेकंड बूस्टर के द्वारा ही हम ये मान के चल, सेकंड बूस्टर मतलब पहला इंजेक्शन, पहली जो डोज है उसको दो इंजेक्शन की डोज को एक डोज बोला जा रहा है और अब जो है इसको बोलेंगे बूस्टर। इंदौर में सोशल मीडिया पर दोस्ती कर महिला को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। महिला ने शिकायत दर्ज कराई है कि कोमल उर्फ सोनू जैन निवासी जगजीवन राम नगर से सोशल मीडिया के माध्यम से दोस्ती हुई थी, जिसके बाद उनका मिलना जुलना हुआ। युवक द्वारा महिला को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया है। फिलहाल हीरानगर थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज करते हुए आरोपी युवक की तलाश शुरू कर दी। ये महिला थाना क्षेत्र की रहने वाली है। इन्होंने कल रिपोर्ट की थी कोमल उर्फ सोनू जैन के खिलाफ कि उनके द्वारा लगातार उनके साथ दुष्कर्म किया गया था, जिस पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी जगजीवन राम नगर का रहने वाला है, जिसकी तलाश की जा रही है। और इनके बीच इंस्टाग्राम को पर इनकी दोस्ती हुई थी सोशल मीडिया के माध्यम से, और फिर सोशल मीडिया के माध्यम से बातचीत होती रही इनकी, फिर उसके बाद इनका मिलना शुरू हुआ, फिर इसने बहला फुसला के शादी करने का लालच देकर इसके साथ दुष्कर्म किया है। आरोपी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, मिला नहीं है, जल्दी गिरफ्तारी हो जाएगी। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय को अपने भावी प्रोजेक्ट के लिए 40 एकड़ जमीन जल्द मिल सकती है। दरअसल डीएवीवी ने भवरकुआ चौराहे के लेफ्ट टर्न चौड़ीकरण के लिए जमीन दी और अब डीएवीवी की जमीन पर थाने और मंदिर विस्थापित होगा। नहीं देखिए, माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में जो मीटिंग हुई थी इसमें कुलपति मैडम और जिला प्रशासन के अधिकारीगण, साथ में हमारे कुछ ईसी मेंबर्स और इंदौर के जनप्रतिनिधि भी सम्मिलित हुए थे। हम लोगों ने बार बार यही कहा कि शहर के विकास के लिए विश्वविद्यालय जो है अपना पूरा सहयोग देने के लिए तत्पर है, परंतु हम लोगों के विश्वविद्यालय की यह भी अपेक्षा है कि जिला प्रशासन की ओर से भी विश्वविद्यालय के विकास और उन्नयन के लिए हमें यथोचित सपोर्ट्स और ज़मीन जो हम चाह रहे थे आवंटित होने के लिए बार बार डिमांड कर रहे थे। कारण ये है कि इसके पहले विश्वविद्यालय को करीब 20 साल पहले एक ज़मीन बांगड़दा में लगभग 50 एकड़ ज़मीन का पोजीशन दिया गया था, परंतु न तो उसका कोई आवंटन हुआ था, ना नामांतरण हुआ था, इसलिए वो ज़मीन वापस ले ली गई थी। चूँकि हम लोगों को विश्वविद्यालय में नए कोर्सेज भी प्रारंभ करना है, इसलिए विश्वविद्यालय निरंतर ये प्रयास कर रहा है कि हमें 50 एकड़ ज़मीन जो है इंदौर में उपलब्ध करवाई जाए। इसके लिए माननीय मंत्री जी ने भी जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं और हमें उम्मीद है कि बांगड़दा में हमें 50 एकड़ ज़मीन जो है शासन जिला प्रशासन की ओर से आवंटित हो जाएगी। जहाँ तक भवरकुआ चौराहे के लेफ्ट टर्न की ज़मीन का सवाल है, इसके संबंध में नगर निगम के आयुक्त से हमें एक पत्र भी प्राप्त हो गया है और माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में मीटिंग भी हुई थी। इसे हम हमारी जो कार्यपरिषद की बैठक होने वाली है 24 तारीख को, उसमें हम इसे प्रस्तुत करेंगे और कार्यपरिषद के निर्णय के अनुसार हम उसमें आगामी कार्रवाई करेंगे। वो लेफ्ट टर्न वाला जो है वहाँ मंदिर है, मंदिर को विस्थापित करना एक बात, और दूसरा भवरकुआ चौराहे पर जो राइट में थाना परिसर बना हुआ है, राइट वाले टर्न को भी जिला प्रशासन उसको और चौड़ा करना चाहता है, इसलिए जिला प्रशासन ये चाह रहा है कि उसी एरिया में हमें जिला प्रशासन को दोनों ज़मीन नगर निगम को दे दी जाए, एक तो मंदिर के विस्थापन के लिए और दूसरा थाना परिसर के लिए भी, साथ ही जो हमारा रिंग रोड। इंदौर बाईपास पर ड्यूटी खत्म कर घर लौट रहे सुरक्षाकर्मी के साथ दो बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बदमाश सुरक्षाकर्मी से उसकी बंदूक छीनकर भाग खड़े हुए। सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। फिलहाल पुलिस क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाल रही है ताकि बदमाशों की गिरफ्तारी जल्द की जा सके। आज सुबह 6 बजे के आसपास से बाईपास पर एक कॉलोनी है, यहाँ पर ये सिक्योरिटी गार्ड है एक प्राइवेट कंपनी में काम कर ये वापस जा रहा था, तो लगभग सुबह 6 बजे के आसपास दो व्यक्ति मोटरसाइकिल पर आए और उससे उसकी जो बंदूक है वो छुड़ा कर ले गए। इसमें पुलिस लूट की नीयत से आए थे। हाँ, अभी इसने पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है और अभी आरोपियों की तलाश की जा रही है। अभी पुलिस प्रयास कर रहे हैं, अभी क्या क्या साक्ष्य मिलते हैं उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
इंदौर के लसूरिया थाना क्षेत्र स्थित SBI के ATM में तकनीकी छेड़छाड़ कर अज्ञात बदमाश ने 10,000 रुपए निकाल लिए। बैंक प्रबंधन को जानकारी लगते ही इसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी। मामले में पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर बदमाश की तलाश कर रही है। ये SDFC का एक ATM है जिसमें पिछले कुछ दिनों में 10,000 रुपए उसमें से निकाले गए थे। तो SDFC को जब ये पता लगा, उन्होंने जब अपना हिसाब मिलाया होगा तो पैसा नहीं मिला उसमें पूरा। उसके बाद इन्होंने रिपोर्ट की तो लसूड़िया थाना में इसे पकड़ पंजीबद्ध कर लिया है। क्या किस तरीके से पैसे गए हैं, क्या अभी इसमें विवेचना के पश्चात ही ज्ञात हो पाए। सर, कुछ CCTV फुटेज आया? हाँ, इसमें कुछ फुटेज भी उन्होंने उपलब्ध कराए हैं जिसपे हम लोग आगे जांच कर रहे हैं। इंदौर में बारिश के कारण बन रहे जलजमाव के हालात से नगर निगम की चौतरफा आलोचना हो रही है। इन्हीं हालातों के मद्देनजर नगर निगम की आयुक्त प्रतिभा पाल ने शनिवार को अधीनस्थों की जरूरी बैठक बुलाई। बैठक में आयुक्त ने जल निकासी के प्रबंध की खामियां गिनाते हुए अधीनस्थों को जमकर फटकार भी लगाई। आज की बैठक सामान्यतः इस बात को लेकर बुलाई गई थी कि बरसात के बाद स्टॉर्म वाटर के लिए हम लोगों की क्या प्लानिंग है, और सभी जोनल अधिकारियों ने अपनी प्लानिंग बताई है। सभी ने अपनी मौका जांच करके जो ऐसी कॉलोनीज़ हैं या ऐसे रोड्स हैं जहां पर छोटे इंटरवेंशन करके हम लोग पानी निकासी कर सकते हैं, स्टॉर्म वाटर लाइन जो डाली जानी है उसकी तैयारी के संबंध में थी। इनमें सभी प्रपोजल्स मुख्यालय आ गए हैं। मुख्यालय और सिटी इंजीनियर्स को आज ये निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने जोनल अधिकारियों के साथ में विजिट करके उनकी उपयोगिता, उनमें कितना लाइन एंड टू एंड पूरा हो जाए, या तो स्टॉर्म वाटर पूरा का पूरा नदी में छूटे या नाली अपने नालों में जाए, तो इसको लेकर के आज की ये प्लानिंग थी। इसका उद्देश्य है कि जैसे ही बरसात ख़त्म हो हम लोग ये स्टॉर्म वाटर के अपने काम करने शुरू करें ताकि जहाँ भी थोड़ा बहुत वाटर लॉगिंग होता है उसका हम लोग निराकरण कर सकें। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हुए प्रकरण दर्ज के विरोध स्वरूप कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला सहित सभी कांग्रेसी कलेक्टर ऑफिस पहुंचे, जहां कलेक्टर मनीष सिंह से पूरे मामले की चर्चा करना थी। हालांकि इस दौरान कलेक्टर से मिलने कोई भी अधिकारी नहीं मिला तो नाराज कांग्रेसियों ने जमकर नारेबाजी की और अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने कहा कि 5:30 बजे कलेक्टर कार्यालय के अधिकारियों के दरवाजे पर ताला लगा हुआ है तो प्रदेश की क्या स्थिति होगी। देखिए, एयरपोर्ट थाने के ऊपर एक आम हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता के ऊपर और आम जनता के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। इसलिए कार्रवाई की जा रही है कि 3 महीने से माँ बिहार कॉलोनी पल्लर नगर अशोक नगर की जो ड्रेनेज का पानी 3 महीने से भरा हुआ था और वहाँ पर एक आगे नई कॉलोनी बन रही है, वो कुछ भारतीय जनता पार्टी जो पूर्व वहाँ के पार्षद थे उन लोगों को कभी वो ड्रेनेज लाइन नहीं मिलने दे रहे थे। 3 महीने से लगातार उनसे शिकायत कर रहे थे परंतु उन्हें लाइन नहीं जुड़ी। वहाँ के लोगों डेंगू हो रहा है, वहाँ लोग बीमार पड़े हुए हैं, वहाँ उल्टी दस्त हो रहे हैं। तो ना नगर निगम सुन रही थी, ना अधिकारी सुनना तैयार था, कोई सुनना तैयार नहीं था। कल हम सब ने मिलकर कॉलोनी के लोगों ने मिलकर नगर निगम द्वारा वो ड्रेनेज लाइन हमने उस कॉलोनी से मिलवा दी तो उससे उसका बदला लेने के लिए हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता पर आम जनता में कार्रवाई की जा रही है और ये आज वो गुंडा राज मचा रखा हुआ। हर जगह कांग्रेस कार्यकर्ता पर कार्रवाई हो रही है। कितनी कार्रवाई करना है आप कर दे, डरने वाले नहीं है। ऐसे तो कितनी कार्रवाई हुई है, जो करना है। हम जनता हमारी भगवान है। जनता के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा लड़ती रहेगी। जनता ने हमको चुन के भेजा है, जनता कांग्रेस पार्टी पर विश्वास करती है। इसका उदाहरण आपने देखा होगा कोरोना काल के अंदर, इन्होंने कुछ नहीं करा, हज़ारों लोग मर गए, कुछ नहीं करा। अभी डेंगू में हज़ारों लोग मर रहे हैं, उसमें कुछ नहीं करा। इंदौर के सब अस्पताल पूरे पड़े हुए, कोई करने को तैयार नहीं है। आज इंदौर में सबसे शर्म वाली बात है, मुख्यमंत्री जी का सपनों का शहर होने के बावजूद आज कलेक्टर ऑफिस पूरा खाली पड़ा हुआ है। यहाँ पर कोई सुनने वाला, लाल हालत पड़ा हुआ है।
एक ना SDM ना ADM ना कोई नहीं है यहाँ पर, एक अधिकारी यहाँ पर नहीं है। और आज देखिए शर्म की बात है, एक जिस कार्यकर्ता को कार्रवाई हुई उस पर एक से कान लगा दी गई, उस पर कोई भी मुकदमा नहीं था। ये जबरदस्ती कांग्रेस कार्यकर्ता दबाया जा रहा है, कांग्रेस कार्यकर्ता दबेगा नहीं। आप जितने कार्रवाई करना करें, कांग्रेस कार्यकर्ता हमेशा लड़ता रहेगा। और 2023 में आपको होता है एक अधिकारी मिलने को तैयार नहीं, एक अधिकारी सब दूर ताले लगे हुए। ये 5:30 बज रही है, 5:30 बजे इंदौर के कलेक्टर ऑफिस की स्थिति है, तो पूरे प्रदेश की स्थिति क्या होगी। मैं मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूँ, जिन अधिकारियों को भरोसे आप काम कर रहे हैं, आज देखिए इंदौर की हालत ये, तो पूरे प्रदेश की हालत होगी। नहीं, सेंटर मिनिस्टर कल खुद बोल के गए कि अधिकारी को भरोसे सरकार नहीं चलती, आपको खुद को करना पड़ेगा। उसका उदाहरण आज देखने को मिल रहा है कि इंदौर शहर में यहाँ कलेक्टर ऑफिस खाली पड़ा हुआ है और पुलिस द्वारा गुंडा राज मचा रखा हुआ और बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। कल नहीं छूटता है तो फिर वापस हम कार्रवाई करेंगे, फिर कलेक्टर ऑफिस आके कल घेरा जाएगा 2-3 दिन में इसमें।